टेलीविजन स्क्रीन पर दो तस्वीरें आपने देखी, 16 अप्रैल 2020 पालघर, 14 सितंबर 2022 सांगली। ये तस्वीर हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र में एक बार फिर पालघर जैसी घटना हो सकती थी। जिस तरह से 2020 में शक के बिना पर साधुओं को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया था, कुछ ऐसा ही महाराष्ट्र के सांगली में हो जाता अगर पुलिस वक्त पर ना पहुंचती तो। मगर सवाल यह है कि बच्चा चोरी की अफवाहों को ढाल बनाकर भीड़ तंत्र ऐसे लोगों पर हमला कर रहे हैं जो वास्तव में ना तो बच्चा चोर है ना ही इनका कोई कसूर है। ये सिर्फ और सिर्फ मसला महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है, ऐसे कई वाक्य इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं जो खून की स्याही से लिखे हुए हैं, जिसमें दरिंदगी है, हैबानियत है और है नाइंसाफी, जुल्म और ज्यादती की इंतहा है। तो चलिए ऐसे ही कुछ वाक्य आपके सामने रखते हैं। देश में मॉब लिंचिंग की घटनाएं। 20 सितंबर 2015 यूपी के गौतम बुद्ध नगर के दादरी में अखलाक को बीफ खाने के शक में भीड़ ने पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। 27 अगस्त 2019 मेरठ में भीड़ ने बच्चा चोरी की अफवाह में एक आदमी की पिटाई की। 26 अगस्त 2019 गाजियाबाद में अपने पोते के साथ शॉपिंग करने आई एक महिला को बच्चा चोर बताकर उसे पीट दिया गया। 7 जून 2019 जमुना टाटी और रजत टाटी दो युवकों को असम में हिंसक भीड़ ने मार डाला। 1 अप्रैल 2017 हरियाणा के नूह में रहने वाले पहलू खां को राजस्थान के अलवर में गौ तस्करी के शक में मौत के घाट उतार दिया गया। 22 जून 2017 डीसीपी मोहम्मद अयूब पंडित को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला और शव को नाले में फेंक दिया था। 3 दिसंबर 2018 उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह को भी कथित गौकशी को लेकर भड़की भीड़ ने मार डाला। 18 अप्रैल 2020 रामगढ़ जाफर अंसारी उर्फ राजू का नाम पूछकर पीटा गया। 11 मई 2020 दुमका में शुभान अंसारी को बकरी चोर के आरोप में पीट पीट कर मार दिया गया। 23 जून 2020 गोड्डा में बकरी चोरी के आरोप में बबलू शाह और उचित कुमार यादव को भीड़ ने जमकर पीटा, जिसमें बबलू शाह की मौत हो गई। 2 जुलाई 2020 जमशेदपुर में गाय का मांस खाने के आरोप में रमेश पसेरा को पीटा गया। 2 जुलाई 2020 दुमका में गाय मांस बेचने के आरोप में छोटेलाल टुड्डू और मंडल मुर्मू को पीटा गया। 16 सितंबर 2020 सिमडेगा में राज सिंह, दीपक उल्लू, इमैनुअल टेटे, सुगार डाग, सुनील बर्रा, रोशन डांग, सेम बीकड़ो को गौकशी के आरोप में पीटा गया, उनका सिर मुंडवाया गया और जय श्री राम के नारे लगवाए गए। 10 मार्च 2021 रांची में सचिन कुमार वर्मा को ट्रक चोरी के आरोप में पीट पीट कर मार दिया गया। 13 मार्च 2021 रांची में मुबारक खां को बाइक चोरी के आरोप में पीट पीट कर मार डाला गया। 19 मार्च 2021 गुमला में हत्या के आरोपी रामचंद्र उराव को भीड़ ने पीट कर मार डाला। और ऐसे ना जाने कितने मामले हैं जिन पर ना तो कोई कार्रवाई होती है और ना ही चर्चा होती है। वैसे तो अभी यूपी में ऐसे तमाम मामले सामने आए हैं जिसमें लोगों में बच्चा चोरी के शक में कुछ लोगों के साथ मारपीट की, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और लोगों से अपील की अफवाहों पर ध्यान ना दें और कानून को हाथ में ना लें। लेकिन इसके बावजूद लोग कानून को हाथ में लेकर भीड़ तंत्र का रूप ले लेते हैं। ऐसे ना जाने कितने मामले देश में आते हैं, कई मामले सुर्खियां बन जाते हैं, कई मामले पतापत नहीं चल पाते। महाराष्ट्र के सांगली में 4 साधुओं की बच्चा चोरी के शक में बेरहमी से पिटाई होना तमाम सवाल खड़े करता है। जिन साधुओं को बेरहमी से पिटा गया वे सभी मथुरा पंचदश नाम अखाड़े के साधु थे। महामंडलेश्वर, गर्भगिरी महाराज उनके शिष्य तीर्थ यात्रा पर थे। इन साधुओं की पुलिस की वजह से जान बच गई, लेकिन वापस मथुरा लौटा दिया गया। साधुओं ने किसी भी आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। ऐसे में इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है बीजेपी का, वो आपको सुनाते हैं। महाराष्ट्र के सांगली में हमारे साधु संतों के साथ जो मारपीट हुई, उनके साथ जो निंदनीय दुर्व्यवहार हुआ, उसकी हम कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं। महाराष्ट्र ये संतों की भूमि है, साधु संत हमारे लिए श्रद्धेय है। साधु संतों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो दोषी है उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। पालघर साधु हत्याकांड में उस समय के फेसबुक लाइव मुख्यमंत्री और उनकी सरकार ने अन्याय किया था, उनके साथ छलावा किया था, पर महाराष्ट्र की वर्तमान सरकार किसी भी साधु संतों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने देगी। जो दोषी है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी।
दरअसल महाराष्ट्र में ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले पालघर में 16 अप्रैल 2020 को दो साधुओं और एक ड्राइवर की हत्या कर दी गई थी। 16 अप्रैल की रात कल्पवृक्ष गिरी सुशील गिरी अपने ड्राइवर नीलेश तेलगाड़े के साथ ओमनी वैन से सूरत जा रहे थे, जो पालघर से 100 किलोमीटर दूर स्थित गढ़चिछले गांव में भीड़ ने उन्हें बाहर खींच लिया। इसके बाद उन्हें पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। दोनों साधु वाराणसी के जुना अखाड़े के थे और वे सूरत के महंत श्री रामगिरी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जा रहे थे। वारदात के वीडियो सामने आने के बाद घटनास्थल पर मौजूदा पुलिसकर्मियों पर सवाल उठे थे। ये लिंचिंग बच्चा चोरी की अफवाह उड़ने के बाद की घटना थी, तो सवाल ये है कि आखिरकार ये दरिंदगी कब तक, आखिर इसका कौन जिम्मेदार है।